बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने 10 वॉल्यूम पे बात की थी और ये अब मेरे हाथ में है 20 वॉल्यूम, जिसके अंदर बहुत से बॉटल्स होती हैं, जैसे कि ये बीसी प्लस वालों की है। इस पर उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि ये 20 वॉल्यूम है, इस पर सिर्फ 6% लिखा हुआ है। ठीक है, 6% लिखा हुआ है और इसका मतलब यही है कि ये 20 वॉल्यूम है, क्योंकि 20 वॉल्यूम में परोक्साइड की जो हाइड्रोजन परोक्साइड की जो मिकदार है वो 6% होती है। ठीक है, ये 10 वॉल्यूम से कदरे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है हाइड्रोजन परोक्साइड। अब मैं इसके इस्तेमाल अगर आपको बताऊँ तो ये वॉल्यूम नेचुरल हेयर कलर के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से इसकी यूजेस हैं, लेकिन जो हमारी ग्रे कवरेज है बालों की, वो हम 20 वॉल्यूम के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि 20 वॉल्यूम जो है आपके बालों को जो ग्रे कवरेज होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से हाइड करता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी लेवल 3 लेवल से ले के हमारे पास जो मतलब जो हमारे बालों के एशियंस के जो लेवल्स हैं ग्रे कवरेज के लिए, वो लेवल्स तो वैसे 12 से भी ऊपर के हैं, लेकिन ये 8-9 तक आराम से इजीली इसे कवर कर सकता है 20 वॉल्यूम। ठीक है, 20 वॉल्यूम से हम चेहरे पर ब्लीच भी कर सकते हैं। वैसे पहले टाइम में तो मैंने आपसे शायद पहले बात नहीं की कि 20, 30, 40 वॉल्यूम 3 ही वॉल्यूम हुआ करते थे। ठीक है, फिर वक्त बदलता रहा तो फिर इससे भी लाइट करके इस वॉल्यूम को हमने परसेंटेज कम करके 10 वॉल्यूम बना दिया फेस के लिए, और उसके भी काफ़ी यूजेस थे जो मैंने आपको बताए। 20 वॉल्यूम अगर मतलब आप किसी पक्के चेहरे पे पक्के रंग वाली ख़वातीन के ऊपर, या बहुत ज़्यादा जिनके जो फेशियल हेयर्स हैं, जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है, डार्क है, तो हम उनके लिए 20 वॉल्यूम फेस पे एज ए ब्लीच हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पक्के चेहरे वाली भी बहुत ज़्यादा, यानी गंदमी रंग है किसी का और उनके बाल बहुत हार्ड हैं, और उनके बालों पे अगर मतलब 20 वॉल्यूम उनको थोड़ा हार्मफुल है या रैश कर देता है, तो उसके अंदर हम अगर 20 वॉल्यूम में कुछ कतरे पानी के डाल के ब्लीच में मिक्स करें तो उनको ये मतलब कूलिंग इफ़ेक्ट देगा। जैसे ब्लीच बनाने का तरीका वो मैं, या पॉलिश बनाने का वो मैं आपसे आगे इंशाल्लाह बात करूँगी। सिंपली अगर आप ब्लीच बनाती हैं तो एक पोर्शन आपका ब्लीच होना चाहिए और 2 पोर्शन आपका वॉल्यूम होना चाहिए, कोई भी वॉल्यूम, मतलब 20 वॉल्यूम हो या 30 वॉल्यूम हो। 20 वॉल्यूम को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए हम इसके अंदर कुछ कतरे पानी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक छोटी सी आइस क्यूब, अगर क्लाइंट का फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो हम एक आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, और वो जैसे जैसे आइस क्यूब थोड़ी सी घुलती रहेगी कूलिंग इफ़ेक्ट भी आएगा। कूलिंग के लिए तो आप सिंपल ब्लीच में भी आपको मैं हमेशा कहूँगी कि आप सूथिंग लोशन ज़रूर डालें, या फिर एप्लीकेशन से पहले वेजलिन और सूथिंग लोशन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो ये तो हो गई हमारे फेस के लिए 20 वॉल्यूम के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका मैंने आपको तरीका बताया। अगर हम इस पर चेहरे पर इस्तेमाल करेंगे तो ये 10 वॉल्यूम का भी काम कर सकता है, अगर हम इसके अंदर पानी के कुछ कतरे मिलाएंगे तो। अब बात आती है कट डाउन की, तो कट डाउन हम 20 वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं। बहुत से क्लाइंट्स हैं जो जिनके बाल बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और उनको ख्वाहिश होती है और कि हमने बाल करने ही करने हैं, बहुत ज़्यादा बारीक बाल है और हमें डर है कि ये मतलब अगर हम 30-40 से उसकी उनके बालों की कट डाउन करते हैं तो वो बाल हमें पता है कि वो वीक हो जाएंगे, टूट जाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगे, तो उसमें एक फ्रिजीनेस आ जाएगा। तो हम 20 वॉल्यूम के साथ भी ईजीली कट डाउन कर सकते हैं, बट 20 वॉल्यूम को एज़ कम्पेयर टू 30-40 वॉल्यूम के हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये 20 वॉल्यूम है, अगर हम इसे लगा के घंटा डेढ़ घंटा भी रख लेते हैं तो इससे कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह बालों पर। लेकिन वो बाल इतने भी वीक ना हो, मतलब इतने भी वो ना हो कि हम इसके ऊपर यही लगाएं, आप अकॉर्डिंग बालों के, जैसे कि हम इंशाल्लाह डे बाय डे हम इसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं हम आपको समझा रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किन बालों के लिए स्पेशली ये बेहतर है। जिनके बाल थिन हैं, जिनके बाल पतले हैं, और जिनके बाल ज़्यादा डैमेज और ड्राई हैं, बट उनको भी ख्वाहिश है कि वो अपने बालों में कोई शेड लाएं, और दिल तो सबका है, तो उसके लिए हम 20 वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी, अगर 30 और 40 वॉल्यूम के साथ हम कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा रखते हैं, मतलब नॉर्मली जो हम ब्लीच करते हैं, तो हम 20 वॉल्यूम के साथ उससे हम डबल भी इसको कट डाउन को रख सकते हैं। और 20 वॉल्यूम के साथ आप अपनी फुल बॉडी पे आप अपनी आराम से ब्लीच भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्राइड्स आती हैं या फुल आर्म्स हैं, तो वो आप 10 वॉल्यूम के साथ ना करें, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो 20 वॉल्यूम के साथ ही करें। इसके अलावा 20 वॉल्यूम, जैसे कि मैंने 10 वॉल्यूम के अंदर भी बताया था कि हम हेयर ग्लॉसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। 10 वॉल्यूम जो है आपका सेम कलर ही रहेगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और 20 वॉल्यूम जो आपका बालों का शेड है उससे अगर आपने एक लेवल ऊपर लिफ्ट करना है तो हम 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। और 20 वॉल्यूम हम बालों को जब हम टोनिंग करते हैं तो टोनिंग में भी बाज़ औक़ात हमें 20 वॉल्यूम यूज़ करना पड़ता है। 10 वॉल्यूम के साथ जब हम टोनिंग करते हैं तो हमें कुछ मतलब 10 10 मिनट के अंदर, 8 10 मिनट के अंदर, चूँकि हम जब इमल्सीफाई कर रहे होते हैं बालों को, तो हमें हमारा शेड डिज़ायर मिल जाता है और हम बालों को रिंस कर देते हैं, तो उस हिसाब से 20 वॉल्यूम जो है वो बहुत जल्दी काम करेगा। तो ये तो हम आगे बात करेंगे जब हम टोनिंग करेंगे, तो लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी था कि हम 20 वॉल्यूम के साथ भी हेयर टोनिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। पहले भी आपसे कहा था, अब भी कह रही हूँ, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है या आप किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी नॉलेज मिलता रहे। और उसके लिए करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है और लाइक भी ज़रूर करना है, और जो न्यू है वो प्लीज़ शेयर करें, और मेरे चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।